मंडी में बीएसपी और इनेलो ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने विशाल जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। तो बीएसपी इनेलो का कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम आज झज्जर में रखा था, जिसमें बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो पिछले 10 साल से यहाँ हरियाणा में भाजपा की सरकार चल रही है और अब जब आम चुनाव हमारे सर पर है तो फिर से आपके बीच में आकर ये भाजपा के लोग आपसे आपका वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु साथियों, इस बारी आप लोगों को वोट डालने से पहले आपको इनसे कुछ जरूरी मुद्दों पे सवाल करने होंगे। साथियों, मैं आपसे जाति और धर्म के आधार पर सवाल करने को नहीं कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि आप शिक्षा पे सवाल करें, रोजगार पे सवाल करें और यहाँ पे आसमान छूती भी महंगाई पे सवाल करें। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर को, हमारे आने वाले भविष्य को इम्पैक्ट करती हैं। ऐसा कोई सा महीना नहीं जाता शिक्षा के नाम पर जब हम सवाल करें तो इनसे जरूर पूछिएगा कि पेपर लीक की खबरें जो हमें आए दिन सुनने को मिलती हैं उसका क्या इनके पास इलाज है। साथियों, कोई भी ऐसी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचा जहां पर जिसकी भर्ती की परीक्षा का पेपर ना लीक हुआ हो। सबसे ज्यादा हमारा समाज, किसान भाई, एससी एसटी समाज इन सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देता है ताकि सरकारी नौकरी में आरक्षण के तहत उसको रोजगार मिल सके। परंतु ऐसा कोई पेपर ना हुआ जो लीक ना हुआ और इनको बहाना ना मिल गया वो सरकारी नौकरियों को रद्द करने का। साथियों, हकीकत तो ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने विनेश फोगाट के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, विनेश फोगाट को ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया जाना अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इस खबर से पूरा देश गुस्से में है, मुझे भी गुस्सा है और ऐसा लगता है कि धुरंधर पहलवानों को धूल चटा देने वाली हरियाणा की बेटी षड्यंत्र का शिकार हो गई। इनको हिम्मत नहीं हारनी है बल्कि आगे बढ़ना है। अमेठी से बड़ी खबर है, अमेठी में न्यूज